रतलाम जिले के बड़ावदा नगर में एक ऐसा अनोखा नज़ारा देखने को मिला है जो हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतीक माने जाने वाला नगर जाना जाता है, जहां पर बाबा फरीद की मस्जिद कई सालों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नाता दिखाई देता है। बाबा फरीद की यहां पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वह मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। साथ ही यहां पर कई जिले कई राज्य से श्रद्धालु बाबा फरीद की यहां पर अपनी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं। जिले के बड़ावदा में बाबा फरीद के झालरा कोन से 12 साल चिल्ला इबादत की थी, जिसकी खुशी में बाबा फरीद खुशी के मारे नाचे थे, जिसमें कई ऐसे पेड़ हैं। यहाँ पर बरगद के पेड़, इमली के पेड़ जान के साथ में नाचते दिखाई दिए थे, जिसकी आकृति है अभी घुमाईदार खड़े पेड़ हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक माने जाने वाले बाबा फरीद की दरगाह है, जहाँ पर एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माने जाने वाला यह त्यौहार जाना जाता है, जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार पब्लिक बाबा फरीद के यहाँ पहुँचती है अपनी मनोकामनाएँ को लेकर। वहीं बाबा फरीद के जालेरा कुंड का पानी पीने या पानी से नहाने से कई बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां भी दूर होती है। बाबा फरीद के यहां पर कई मुरादें लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी मुरादें भी पूरी होती है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। 28 साल मर चुका था तो बाबा साहब मेहरबानी से भी जिंदा हुआ यहाँ पे। वो बहुत पोची हस्ती है और हमारा तो पूरा परिवार ही करीबरी से जुड़ा हुआ है काफी समय से। क्या मान्यता लगी आपको यहाँ के? अरे यहाँ के बाबा की तो मान्यता पूछे मत, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। क्या मनोकामना आपकी अभी तक? मनोकामना तो कुछ नहीं, आशीर्वाद से थोड़ी मनोकामना मान ली है, तो आशीर्वाद से सब काम हो रहा है बढ़िया। जो मन की मनोकामना सब पूरी होती है, पूरी होती है। हाँ, कितने सालों से जुड़े हैं यहाँ? कितना जिंदगी हो गई हमको जुड़े हुए परिवार से। मोहम्मद इरफान, हम यहाँ के खादी में यहाँ की देख रेख यहाँ की खिदमत करते हैं सरकार के यहाँ। यहाँ के पेड़ काफ़ी पुराने हैं, सब बल खाए हुए हैं, सब इबादत की गवाही दे रहे हैं। बरसों पुराने पेड़ है, इमली के पेड़ है, आज भी यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा आपको, जो बिल्कुल बल खाए हुए है। यहाँ पर झालरा शरीफ है, यहाँ पर आपने इबादत करी थी। यहाँ पर सरकार का चिल्ला शरीफ है, 52 चिल्ले हैं आपके। क्या कारण ऐसा दिखने में आया है कि जो बल खाए हुए पेड़ हैं? यहाँ पर जब सरकार इबादत करते थे तो आप पेड़ों के आसपास घुमा करते थे, उनके साथ साथ ये पेड़ भी घूम जाया करते थे, बल खाया। ऐसे पेड़ कहीं घूमने और जैसे कहीं पेड़ देखे आपने? नहीं, ऐसे पेड़ कहीं भी नहीं है। केवल जो देखा जाए दरगाह के आसपास ही ऐसे पेड़ है। हाँ, इसी इलाके में ऐसे पेड़ है और इसमें के पेड़ कहीं भी नहीं देखे। मेरा नाम फरीद शाह है, बड़ावदा उर्स कमेटी में मैं खजांची के पद पर हूँ और ये उर्स तकरीबन मतलब मेरी उम्र जितनी हुई जब से देख रहा हूँ इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम समुदाय के सारे लोग आते हैं यहाँ पे और सारी व्यवस्था देखते हैं सभी मिलके, नगर पालिका, पुलिस थाना और जो भी सरकारी समितियाँ हैं सारी यहाँ रहती हैं और सारे अपने अपने काम देती हैं अंजाम। देखा जाए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का प्रतीक माना जाने वाला। हाँ, इस तरह जो दरगाह बाबा फरीद की है यहाँ पे शुरू से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके ये उर्स मनाते हैं। मतलब ये क्या है, उर्स पहले टाइम पे गांव में लगता था, हाट गिरता था, हाट के बाद लोगों ने वहाँ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम ने अपनी वो एकता करी, बोले यार अपन ये मेला यहाँ डालते हैं बड़ावदा में यह दरगाह पे। फिर धीरे धीरे जो चालू हुई यहाँ की परंपरा तो ये आज बहुत बड़े पैमाने पर हो गई। लगभग कितने सालों से मेला चलता आ रहा है? ये बाबा फरीद का उर्स तो 776वां उर्स है, लेकिन तकरीबन यहाँ कम से कम 200 साल के आसपास यहाँ हुआ है उर्स मनाते लोगों को। और कोई मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई? यहाँ से ये झलरा शरीफ है, यहाँ पे जो पानी है, लोगों की शुगर की बीमारी है, जो भी छोटी मोटी बीमारी बड़ी बीमारी जो भी है यहाँ से पानी पीते हैं, उससे उनको शिफा मिलती है। यहाँ देखा गया मन की जो मनोकामना होती है बिल्कुल पूरी होती है, जो भी आपके दिल में तमन्ना है कि मेरा ये होना चाहिए, मतलब जायज काम, ना जायज नहीं, आप बोलो मुझे ऐसा तो नहीं, जो भी जायज तमन्ना आपके दिल में, नहीं यार मैं बीमार हूँ अच्छा हो जाऊँगा ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या खास मान्यता सकर और उसकी बुरे की है वो यहाँ पे चढ़ा जाता है प्रसाद के रूप में। ये बाबा फरीद सकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, चिल्ला शरीफ है। यहाँ बाबा फरीद ने 12 साल तक इबादत की है, चिल्ला कशी की है। बाबा फरीद की जो पैदाइश है वो 29 शाबान की है और इनका जो विसाल हुआ है, जिन्होंने जो पर्दा किया है वो मुहर्रम की 5 तारीख को किया है। 95 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ है बाबा फरीद का। और अभी ये जो उर्स हो रहा है 776वां उर्स है। बाबा फरीद का उर्स इस तरह होता है
यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे 10 से 15 हज़ार 20-25 हज़ार पब्लिक आती है, हिंदू मुसलमान आते हैं और आस्था से अपना माथा टिकाते हैं। सामने जो है यहाँ पे मन्नत का धागे बांधने का भी है, जिससे लोग मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है मन्नत। आपके आस्थाने पे यहाँ पे एमिलिया भी घूमी हुई है और झालरा भी है, कुआ है जिसके पानी से लोगों को शफा होती है, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, ऐसी कई बीमारियाँ उनसे दूर होती है। दूर दूर तक यहाँ से पानी के बाटलें भरे के ले जाई जाती है। देखा गया कि जो इंद्रियों का नाश, आपने यहाँ 12 साल तक इबादत की थी है ना, 12 साल इबादत करने के बाद में जब आपको अल्लाह ताला ने करामात दी, आपको इनाम मिला, तो आप उस इनाम की खुशी में रक्स किया, नाचे आप, उसी में ये इमलिये भी नाची आपके साथ। जो भी यहाँ के दरख्त हैं, झाड़ हैं, सभी नाचे, जो आज तक उसकी गवाही देते हैं। जिस पे एक इमलिये इसमें मुख्य है, जिसमें 3 जगह पर अल्लाह हो लिखा हुआ है। ये बाबा फरीद का ख़ास तौर से यहाँ पे एक शहादत है, गवाह है, इस बात का साक्षी है। जो बाबा फरीद देखा जाए, अल्लाह जो लिखा हुआ है, ये एक चमत्कार ही माना जाता है। हाँ, कुदरतन है, कुदरतन लिखा हुआ है इमली पे, किसी ने लिखा नहीं है, कुदरतन लिखा हुआ है। तपी भी है इमलियाँ सारी, इबादत में तल्लीन है। और सरकार के यहाँ आया हुआ हूँ और धार से काफ़ी अच्छा लगा, और से भी हमें अच्छा लगा और बहुत कुछ देखने को मिला यहाँ पे। सरकार का बहुत अच्छा है और जो भी है सरकार के, क्या आपकी मनोकामना है जो आप? हाँ जी, हमारी जो भी मनोकामना है बहुत पूरी हुई है और सरकार कर रहे हैं, और जितने भी जायरीन आए हुए हैं यहाँ पे उनके लिए भी बाहक, जिनको भी कोई तकलीफ हुई है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी को कुछ लगा हुआ है, जो भी है, सबकी मनोकामना तमन्ना पूरी हो रही है उनकी, और काफ़ी अच्छा सरकार की हो रही है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? काफ़ी दिनों में, जब से समझने लगा हूँ, जब से आता जाता रहता हूँ, और हर जुमेरात को भी मैं आता हूँ यहाँ पे, और उर्स के माध्यम से भी आया हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छा है। और कौन कौन से ऐसी मनोकामना? बहुत सारी मनोकामना पूरी हुई है हमारी, और काफ़ी अच्छा सरकार का ये हुआ है, और सरकार के हित में बहुत अच्छा है। और जितने भी जायरीन आए हुए हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो रही है। मैं धार से आया हुआ हूँ, धार से तशरीफ लाया हुआ हूँ। मेरा नाम इस्लाम पटेल है, रहने वाला ग्राम का हूँ, और मनोकामना पूरी हुई है मेरी, और सरकार ने मेरी जो भी तमन्ना पूरी की है, और जितने भी जायरीन आ चुके हैं और आ रहे हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ की हाँ पूरी हो रही है। और जितने भी यहाँ पे देखने वाले मेम्बरानिस है जो भी, उनके भी अच्छी खिदमत है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है सरकार के यहाँ जितने भी है, सब देखभाल वगैरह जितने भी यहाँ के। आपकी मनोकामना है और कितने सालों से आप आ रहे हैं? हम बहुत साल से बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ है, जादू वाला है, और मतलब बहुत रह रहे हैं हम, तो हमको बहुत आराम सुकून मिलता है, और हमारे घर परिवार वालों को बहुत सुकून है, और हमको बहुत आराम है, बहुत कुछ हमारी मुसीबत परेशानी दूर भई है यहाँ से। बाबा साहब का बहुत बड़ा करम है। कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं आप? यहाँ आ रहे हैं हम 5-6 साल से। कुछ आपको लगा यहाँ से कि अपने को फ़ायदा मिला है? हाँ, बहुत फ़ायदा मिला है, घर में, परिवार में, रोजी में, धंधे में, कारोबार में, सब परिवार सब अच्छा है। और यहाँ नहीं आए थे उससे पहले, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मौत मट्टियाँ हो गई थी, वो घर में कोई कारोबार कुछ भी नहीं रहता, काम धंधा कुछ भी नहीं था घर के अंदर, अब सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है उसमें। यहाँ आके बहुत ज़्यादा हमारी मुसीबतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हल हो गई, और हमारी माँ साहब बहुत ज़्यादा बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, और यहाँ आए थे तो बहुत कुछ अच्छी हो गई, और दवा दारू सब बंद हो गई। बाबा साहब ने हमको बशारत दी कि इलाज मत करवाओ, अस्पताल से निकाल के बाहर लेके आओ, और बाबा साहब हमारे सपने में आए, और उन्होंने हमको बोला आगे। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? हम यूपी रामपुर बरेली के रहने वाले हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ तो आ रहे हैं 6-7 साल से आ रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम रुके हैं, रुक रखा है इन पर कि तुम रुको तो सब कुछ तुम्हारी परेशानी और हल हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी मान्यता है, ये 776 साल से चली आ रही है। यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके इस मेले को आगाज़ करते हैं, और ना ही इस मेले की कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे वाली बात हुई, यहाँ पे एकदम सारे लोग मिलके
और धर्म प्रेमी की जनता मिलकर इसको मनाती है। यहाँ का एक ये भी देखा गया कि जो कुआ है, कुएं से जो पानी का एक प्रतीक माना जाने वाला, जो भी अपनी बीमारी होती है, बीमारी दूर होती, क्या है वहाँ की मान्यता? वहाँ के क्या है कि जब बाबा फरीदना वहाँ इबादत करी थी उंदल अटक के, जब आप झालरे के अंदर इबादत करी थी उन्होंने, तो उसमें क्या है कि उस पानी का ऐसा तासीर है कि जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उससे उस बीमारी को दूर हो जाती है। अभी तक कितने मरीज यहाँ पहुँच चुके हैं? अब ये कोई पता है कितने मरीज आ गए? ये तो यहाँ तो कोई गिनती नहीं है, यहाँ तो रोज हजारों जायरीन आते हैं और हजारों अच्छे होकर जाते हैं। इमलियों की क्या प्रतीक माना जाता है, जो कि इमलियां घूमने वाली, जो नाचने वाली, जो भैया सरकार के उसमें जो है झूमी थी नाची थी, उस हिसाब से ये रस लेके बल खाई हुई है सारी ये है। यहाँ देखा जाए शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ बहुत शासन प्रशासन बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करता है, यहाँ कोई परेशानी नहीं आती किसी को भी। मेले को लेके हर साल मेला लगता है यहाँ पे, और देखा गया कि कई पब्लिक आती है, लगभग कितनी पब्लिक यहाँ मेला देखने के लिए? लगभग अगर ये अगर सुबह शाम तक का रेसा निकाला, लाख डेढ़ लाख पब्लिक का आना जाना हो जा रहता है यहाँ पे। बाकी ये 3 टन में मेला भराता है। शुरू में क्या है, सुबह जब 11 बजे पब्लिक आने लगती है तो ग्रामीण की पब्लिक आती है यहाँ पे, उसके बाद 2 बजे बाद फिर ये शहरी पब्लिक आ जाती है, फिर रात में 6-7 बजे बाद जो कव्वाली का प्रोग्राम है वो चालू होता है, तो ये आसपास के बार बार के लोग आते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रशीद खान, वक्त बोर्ड चिल्ला समिति की सेक्रेटरी हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।